चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने अपने जयपुर दौरे के दूसरे दिन पीसीसी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ संवाद किया। माकन से सबसे पहले वरिष्ठ विधायक और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष परसराम मोरदिया ने मुलाकात की। मंत्री बीडी कल्ला, हेमाराम चौधरी, सुभाष महरिया, नमो नारायण मीणा भी माकन से मुलाकात कर चुके हैं। प्रदेश में सियासी संकट खत्म होने के बाद प्रदेश प्रभारी की भूमिका में जयपुर आए अजय माकन ने सत्ता और संगठन को मजबूत करने के इरादे से फीडबैक अभियान शुरू किया है। माकन ने जयपुर दौरे के दूसरे दिन पीसीसी में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इनमें परसराम मोरदिया, हेमाराम चौधरी, सुभाष महरिया, नमो नारायण मीणा, नरेंद्र बुड़ानिया, रामेश्वर डूडी, दीपेंद्र शेखावत, धीरज गुर्जर, कुलदीप इंदौरा, गणेश गोगरा, अश्कली टाक व मोहन प्रकाश जैसे नेताओं से मुलाकात की। माकन ने सबसे पहले वरिष्ठ विधायक और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष परसराम मोरदिया से मुलाकात की। परसराम मोरदिया और सुभाष महरिया ने संगठन को लेकर अहम सुझाव दिए हैं। हालांकि दोनों ही नेता पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में माकन से चर्चा में असहज नजर आए। तीनों नेता शेखावाटी से आते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी लक्ष्मण गढ़ ही रहा है। मोरदिया और डोटासरा के बीच 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। और माकन साहब को यह कहा कि आपके नेतृत्व में आप महामंत्री बनते हैं, आए हैं राजस्थान में। हालांकि पांडे जी ने बहुत अच्छा काम किया, उनका कार्यकाल भी खराब नहीं रहा, लेकिन आपके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगी। कांग्रेस को आप एक सूत्र में रखेंगे और सब लोगों को सम्मान मिले, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले और राजस्थान के अंदर फिर 2023 की सरकार बने कांग्रेस की, ऐसी मुझे मेरी भावना है। वहीं पायलट कैंप के पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी ने भी माकन से मुलाकात की। अजय माकन ने हेमाराम से मुलाकात के दौरान डोटासरा और सह प्रभारी विवेक बंसल और तरुण कुमार को बाहर भेज दिया। माकन ने अकेले में ही हेमाराम से बात की। मीडिया से बातचीत करते हुए हेमाराम चौधरी ने कहा, मेरी कोई नाराजगी नहीं है, आलाकमान के समक्ष जो कहना था वो कह दिया। अब माकन को सत्ता और संगठन को लेकर कई अहम सुझाव दिए हैं, किसानों की समस्याओं के बारे में भी बताया है। कोई नाराजगी नहीं, जो शिकायत आपके जो थे कमेटी वो तो खत्म हो गए ना, हाईकमान से बात होगी उसके बाद में वो तो सारे खत्म हो गए। इतनी कोई लंबी बात हुई नहीं, ठीक है। पार्टी मजबूत हो, संगठन मजबूत हो, वापस 2023 का चुनाव हम जीते, इस बारे में चर्चा। माखन जी ने हम बात की और मैंने भी मेरे मन की बात कह दी। अब उनके और मेरे बीच जो बात हुई वो सार्वजनिक करने की तो है नहीं, जो कुछ है वो कांग्रेस के इंटरेस्ट है। मैं ये मानता हूँ कि ललित माखन जी को प्रभारी बना करके हाईकमान ने भेजा है तो निश्चित रूप से कॉम्पिटेंट व्यक्ति है और जो वो चाहते हैं यहाँ की जानकारी निश्चित रूप से ये देंगे। और जनरल सेक्रेटरी प्रभारी जो होता है वो एक तरह का शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, नीचे की बात ऊपर तक, ऊपर की बात नीचे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है, तो काफ़ी सक्षम व्यक्ति है। इसलिए मैं मान करके चलता हूँ कि निश्चित रूप से कुछ अच्छा ही करता है। जलदाय और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने माकन से मुलाकात करके अपने विभाग की जानकारी दी। कल्ला ने विभाग की अलग अलग योजनाओं की जानकारी दी। पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, एकजुट रखा जाए और जो भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक नीतियां हैं उनके खिलाफ असरदार तरीके से हम लोग पूरे देश में और राजस्थान में किस तरह से वातावरण बना सकते हैं, यही बात सबका ध्येय है। प्रभारी जी भी ये चाहते हैं। हमारी जो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, उनकी भावनाएं क्या है, क्या वो हमसे अपेक्षा करते हैं, उसके बारे में चर्चा की है। दूसरा, 2018 के विधानसभा के चुनाव में जिन जन घोषणा पत्र के माध्यम से हम चुन के आए हैं, राजस्थान की जनता से हमने जो वायदे किए थे, उन वायदों पे कितना अमल हम कर पाए हैं। तो जो अलग अलग विभाग के हिसाब से मंत्री हैं वो लोग भी अपनी प्रगति रिपोर्ट भी दे रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में एक्शन प्लान क्या है वो भी दे रहे हैं। सुझाव तो गुप्त है, सुझाव को बताने योग्य थोड़ी है, लेकिन कुल मिलाकर हम लोगों ने अपने मंत्रिमंडल में जो चुनाव घोषणा पत्र में अब तक जो प्रोग्रेस की है, जलदाय विभाग की, हमारे ऊर्जा विभाग की और कला साहित्य और संस्कृति विभाग की, उसकी प्रोग्रेस बता के आए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान, खेल मंत्री अशोक चांदना, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गणेश घोगरा, पूर्व राज्यसभा सांसद अश्कली टाक, नरेंद्र बुड़ानिया, एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा, धीरज गुर्जर, राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने भी माकन से मुलाकात की। माकन वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात के बाद अब संभागवार विधायकों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। मंगलवार को जयपुर संभाग के नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। अब देखना है कि नए प्रदेश प्रभारी का प्रदेश का ये पहला दौरा और नेताओं से मिला फीडबैक कांग्रेस के लिए कितना कारगर सिद्ध होगा। हालांकि दो ग्रुप में कांग्रेस अब भी साफ साफ बंटी हुई नजर आ रही है।
फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए नरेश शर्मा की रिपोर्ट।